Hello, everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series. And this is the third set of slot one of CAT 2023 paper. Moving to the question, we'll go through the question first. Okay. So it says five restaurants coded R1, R2, R3, and R5. Just a second. Yeah. So it says five restaurants coded R1, R2, R3, and R5 gave integer ratings to five gig workers U, V, W, X, and Y on the scale of one to five. Okay.

मीन रेटिंग का वो गिवन है मीडियन की मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में रेटिंग को लगाएं तो मिडिल वैल्यू क्या होगी मोड मोडल रेटिंग मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेटिंग एंड द रेंज ऑफ रेटिंग विच इज बेसिकली जो मैक्सिमम रेटिंग आई है माइनस द मिनिमम रेटिंग आई है वो रेंज हो गई तो इसमें ये लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग ठीक है

एंड आर फाइव है एंड सिमिलरली जो हमारे पास वर्कर्स है वो कौन कौन है यू वी डब्लू एक्स एंड वाई तो ये ग्रिड बन जाएगा फाइव बाय फाइव का तो भी पहले ग्रिड बना लेते हैं एक ग्रेड बन गया एंड यहां पर हम एक बार डाल देंगे टोटल्स कि टोटल्स क्या है कि जो टोटल रेटिंग दी होगी इन्होंने रेस्टोरेंट ने और हर एक वर्कर को जो टोटल मिला होगा वो टोटल क्या है ये टोटल है यहाँ पे और नीचे वाला टोटल हो जाएगा कि हर एक रेस्टोरेंट ने कितना टोटल दिया है रेटिंग टू तो ईच वर्कर उनका सम ठीक है अब हमें इसमें क्या दिखा रहा, बता रहा है कि? R1 five to w. तो उसने रेटिंग दी है डब्ल्यू को फाइव आर वन ने यहाँ पेड आर टू टू एक्स आर टू ने एक्स को फाइव दिया है ठीक है आर थ्री ने दिया है एक्स और डब्ल्यू को आर थ्री ने एक्स और डब्लू को फाइव फाइव रेटिंग दी है एंड आर फाइव ने वी को दिया है आर फाइव ने वी को दी है फाइव रेटिंग ठीक है आर वन अवॉर्डेड द रेटिंग ऑफ वन टू यू आर वन ने यू को दिया है वन एज डिड आर टू टू डब्ल्यू एन यू एन आर डब्ल्यू एन वाई तो आर टू ने डब्ल्यू को वन दिया है और वाई को भी वन दिया है एंड आर थ्री ने वाई को दिया है वन आर थ्री ने वाई को दिया है वन ठीक है ये हमें ये फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन हमने देख ली है अब ऊपर आ जाते हैं हम ये देखते हैं कि जब मीन दिया हुआ है आर वन का मीन कितना है आर वन का मीन है थ्री पॉइंट फोर आर टू का मीन कितना है टू पॉइंट टू आर थ्री का कितना है थ्री पॉइंट एट आर फोर का टू पॉइंट एट और आर फाइव का कितना है थ्री पॉइंट फोर ये हमें रेटिंग्स यहां से मिल रही हैं ठीक है ठीके? अब अगर हमें पता है कि मीन रेटिंग्स इतनी है आर वन की मतलब जो उसने पांच रेस्टोरेंट्स को रेटिंग्स दी है उनका मीन ये है तो आर वन ने टोटल कितना दिया होगा रेटिंग्स का सम क्या होगा मीन इनटू फाइव मीन क्या हो जाएगा सम ऑफ रेटिंग्स ऑफ रेटिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर टोटल नंबर कितना है वन टू थ्री फोर फाइव और आर वन का कितना है आर वन का कितना है थ्री पॉइंट फोर है तो जो समेटिंग आर वन ने की दिया होगा वो कितना होगा फाइव इंटू थ्री पॉइंट फोर ये तो क्लियर है तो कितना हो जाएगा 5 into 3, 4, uh, कितना है? 17. ये clear है Similarly, अगर हम इसका देखें आर टू का टोटल कितना हो जाएगा .5, uh, 2 .2 into 5, 11. Similarly, बाकी का जब हम कैलकुलेट करेंगे R3 का आएगा, 19. R4 का कितना आएगा टू पॉइंट एट इंटू फाइव 14 फाइव का कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर इंटू फाइव सेवेंटीन सिमिलरली हम बाकी इनके मीन्स देख लेते हैं यू की मीन रेटिंग कितनी है टू पॉइंट टू एम की कितनी है एक यू की कितनी है टू पॉइंट टू एम की कितनी है टू सॉरी वी की डब्ल्यू की कितनी है ओके सॉरी सॉरी ये उल्टा कर रहा हूं मैं पहले इसको इरेज करते हैं ये वाला पार्ट और ये थोड़ा स्पेस के लिए यस yes. हाँ यू की कितनी है टू पॉइंट टू तो टोटल जो रेटिंग मिली होगी यू को कितनी मिली होगी कर देखें तो टू पॉइंट टू इंटू फाइव क्योंकि पांच रेस्टोरेंट अगेन विच इज कितना इलेवन सिमिलरली वी का देखें वी का मीन है थ्री पॉइंट एट

हम बाकी रेटिंग्स इनमें से निकाल सकते हैं क्या बताओ हाउ डू वी फाइंड आउट क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन यही है हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द अब इन्फॉर्मेशन तो अभी तो हमें इतनी रेटिंग्स पता है बाकी हम कैसे निकालेंगे चलो अब क्या देखेंगे हम हम आते हैं हमने मीन से सारा मतलब निकाल लिया हमने रेस्टोरेंट्स के मीन से भी डेटा निकाल लिया हमने वर्कर्स के मीन से भी डेटा निकाल लिया अब हमें बाकी देखना है किस चीज को मोड को मीडियम को और रेंज को तो हमें किस किस का डेटा हमें आसानी से मिल सकता है अगर हम इसको देखें आर थ्री को आर थ्री के टोटल उसने रेटिंग्स जो दी हुई है वो कितनी है टोटल सम नाइनटीन उसमें से वो कितनी दे चुका है फाइव फाइव वन इलेवन दे चुका है बच्चा कितना आठ और देना है उसको राइट right. अब वो आठ कैसे देगा या फिर तो इन दोनों को मिला के आठ होना चाहिए बेसिकली अब ये क्या हो सकता है ये थ्री और फाइव हो सकता है या फिर फोर और फोर हो सकता है या फिर फाइव और थ्री हो सकता है राइट right. ये तीन तीन पॉसिबिलिटीज है तो इधर बेसिकली हम कह नहीं सकते कि ये थ्री और फाइव होगा या फिर फोर और फोर होगा ठीक है तो हम दूसरे से देखते हैं अगर हम ये डब्लू का देखें डब्लू का क्या है फाइव वन फाइव एंड टोटल इसको सेवनटीन मिली हुई है फाइव वन फाइव कितना हो गया इलेवन तो जो टोटल अभी जो बचा है उसको सिक्स और मिलना है सिक्स रेटिंग्स और आनी है अब वो सिक्स रेटिंग्स कैसे आ सकती है थ्री थ्री आ सकती है टू फोर आ सकती है या फिर वन फाइव आ सकती है लेकिन हम अगर इधर डब्लू का देखें डब्ल्यू का हम अगर इधर देखें तो मीडियन क्या है फोर अगर मीडियन फोर है इसका मतलब एक उसको रेटिंग फोर तो मिली ही मिली है अगर एक रेटिंग फोर मिली है तो दूसरी रेटिंग क्या होगी टू क्योंकि टोटल सेवेंटीन बनाना है सिक्स बचा है फाइव वन फाइव हटा के सो हमें पता है कि डब्ल्यू की जो दो रेटिंग्स बची है वो बची है टू और फोर जो इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकती हैं, बट फॉर नाउ वी नो कि W की जो दो रेटिंग्स बची हैं वो टू और फोर बची हैं। ठीक है अब बाकियों की कैसे निकालेंगे हम बाकियों की भी देख लेते हैं अब U का हम देखते हैं U का क्या है हमें पता है मीडियन है दो इसका मतलब थर्ड वैल्यू इज टू मोड है टू इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू विच इज अकरिंग इन U इज टू तो अगर वी नो दैट वन इज अकरिंग वंस

तो पांचवी वैल्यू क्या होगी सॉरी चौथी वैल्यू क्या होगी वी नो दैट वन टू टू फोर एक है टोटल इसका इलेवन है जो जो तो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी वो टू होगी सो वी नो दैट यू में जो चार वैल्यूज आनी है वो आनी है सिमिलरली हमने यू का भी देख लिया अब हम वी का देखते हैं वी का हमें पता है क्या रेंज है थ्री एंड वी नो द मैक्सिमम इज फाइव सो द मिनिमम इट विल गो इज टू एंड टू होगा ही होगा राइट right. एंड इसमें हमें क्या पता है मोड फोर है We know that mode is 4. इसका मतलब टू एंड फाइव हमें पता है एक बार तो रहा है तो एटलीस्ट फोर दो बार आएगा अगेन हमें क्या बोलते हैं चार वैल्यूज पता चल गई टोटल नाइनटीन है तो पांचवी वैल्यू क्या होगी फाइव प्लस फोर प्लस फोर प्लस टू कितना होता है 15. तो बचा हुआ वैल्यू क्या होगी फोर सिमिलरली हमें पता है कि वी में ये सब वैल्यूज आएंगी एक्स का भी हम देख लेते हैं एक्स का अगर हम देखें तो हम डब्ल्यू का तो चलो मैं पता है टू और फोर आ रहा है एक्स का अगर हम देखें तो रेंज क्या है फोर इसका मतलब और हमें पता है दो बार फाइव आ चुका है तो इसका मतलब वन तो एक बार आएगा ही आएगा एक्स में एक वन आ ही रहा है तो हमारे रेंज से पता चल गया मोड क्या है मोड दो बार फाइव है तो ठीक है मीडियम क्या है फोर मतलब थर्ड वैल्यू इज फोर वी नो कि एक बार फोर आ रहा है तो अगेन वी नो फोर वैल्यूज आउट ऑफ द फाइव एंड वी नो टोटल तो थर्ड वैल्यू क्या होगी एक्स की टोटल एटीन है दो फाइव एक वन और एक फोर है तो बचा गया थ्री ये पांच वैल्यूज होंगी X की रो में सिमिलरली हम वाई का देख लेते हैं वाई का क्या पता है, में? है 1 and 4. And कितना है मीडियन इज फोर मतलब थर्ड वैल्यू इज फोर इफ थर्ड वैल्यू इज फोर वी नो दैट फोर इज कमिंग वंस एटलीस्ट एंड वी ऑल्सो नो सॉरी होगा ही होगा सो वी है ये कहां पर आएगी अभी हमें ये नहीं पता वट नो की वाई में वन वन फोर फोर एंड थ्री होगा अब हम फिट करना शुरू करते हैं वैल्यूज की कहाँ पे क्या हो सकता है उसके लिए हम क्या करेंगे वी विल सी द मोस्ट जो सबसे ज्यादा रो भरी हुई है उनको देखो और जो सबसे ज्यादा कॉलम भरे हुए हैं उनको देखो कि कहाँ पे क्या फिट कर सकते हो हमें पता है की आर्थिक जो रो है उसमें हमें तीन वैल्यूज पता है ऑलरेडी बाकी दो हमें पता लगानी है सो फाइव फाइव वन इलेवन इज द फिगर जो हमारा ऑलरेडी आ चुका है आउट ऑफ नाइनटीन तो बचा हुआ क्या एट और आना है अब एट के पे पॉसिबिलिटीज क्या है थ्री और फाइव बट वी नो कि जो वैल्यूज यू और वी में आनी हैं, दोनों के पास है ही नहीं भरने के लिए टू और सिक्स तो हो तो ही नहीं सकता है सो द ओनली पॉसिबल वे टू फिल दिस इज फोर एंड फोर कि तो हमें पता है कि इन दो जगह तो फोर और फोर आए ही रहा है अब बाकी जगह कहाँ देखेंगे कैसे देखेंगे हमें पता था U का जो है उसमें एक फोर है बाकी तीन टू है तो एक फोर तो हमें पता चल गया कहाँ पर है तो ये जो तीन होंगे ये टू 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 होंगे तो हमें U वाली रो पता चल चुकी है कहाँ पर है टोटल अगर हम V में अब देखें तो जो R2 वाली रो देखें इसमें हमें टोटल पता है और बाकी चार वैल्यूज पता है तो पांचवी वैल्यू निकल जाएगी क्या होगी उसकी पांचवी वैल्यू होगी टू बिकॉज फाइव प्लस वन प्लस प्लस वन प्लस टू कितना होता है नाइन एंड इलेवन माइनस नाइन टू बचा सिमिलरली हमें पता चल गया v का टू यहाँ पर है तो बाकी तीन वैल्यूज क्या आती है फोर तो फोर फोर एंड फोर यहाँ पे भर गया हमारा फोर v वाला भी हमें पूरा पता चल गया अब उसके बाद क्या आता है नाउ वी नो कि नो की डब्ल्यू का जो दो वैल्यूज बची हैं दो दे आर इधर टू और फोर तो यहाँ पे अगर टू आएगा या फोर आएगा इफ टू और फोर ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा फोर होगा या टू होगा इन दोनों में से कंडीशन होगी अब बचे हुए वैल्यूज क्या हैं ये हमारे पास सिक्स वैल्यूज बच गई हैं मैं दूसरे कलर से एक बार लिख देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ

ज एनी पॉसिबिलिटी कि हम इसको टेन बना पाए लेट्स से यहाँ पे टू है तो हम नीचे क्या डाल देंगे फोर फोर एट बनाने के लिए क्योंकि फाइव तो हमारे पास और है नहीं सो दिस इज एन पॉसिबिलिटी लेट्स से यहाँ पे अगर फोर है तो हम यहाँ पे सिक्स बनाना है थ्री थ्री हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर लेट से यहां पर टू है फर्स्ट केसेस इसको मिटा के देखते हैं द फर्स्ट केसेस की यहाँ पे टू है So the remaining eight will be covering by four and four. this is case number one. उस केस में यहाँ पे four होगा ठीक है एंड द सेकेंड केसेज कि यहाँ पे four है अब हमें कितना और चाहिए nine और फिर eleven uh, हो गया six और चाहिए हमें उस केस में हम हाँ यहाँ पे क्या डालेंगे six two तो हमारे पास four और two का तो option है नहीं ना ही वन और five का option है so the only case possible is three three. ये सेकेंड केस हो गया फोर थ्री थ्री फर्स्ट केस वन था टू फोर फोर केस टू हो गया फोर थ्री थ्री ये हमारे पास दो केसेस हैं बट इफ वी लुक एट रो नंबर वन द टोटल इज सेवनटीन एंड वी हैव हाउ मच टेन ऑलरेडी फाइव प्लस फोर प्लस वन तो हमें इसको सेवन बनाना है हाउ डू वी मेक इट सेवन यहाँ पे सेवन क्या होगा हमारे पास टू और फाइव तो है नहीं ना हम वन और सिक्स पॉसिबल है सो द ओनली पॉसिबल केस इज फोर एंड थ्री तो केस वन होगा कि यहाँ पे फोर हो और यहाँ पे थ्री हो केस वन फोर एंड थ्री एंड केस टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऊपर थ्री हो और नीचे फोर हो केस टू हो जाएगा ऊपर थ्री uh, हो नीचे फोर हो थ्री और फोर ये दो पॉसिबल केसेस हैं के लिए अब तुम ये ऑब्जर्व करो इन बोथ द केसेस एक थ्री तो इधर यूज हो ही रहा है या फिर तो ऊपर थ्री जाएगा या फिर नीचे थ्री जाएगा इन बोथ द केसेस एक थ्री तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा अगर एक थ्री यहाँ पे लगेगा ही लगेगा सो so, In case of R5, can we use both the threes? हमारे पास एक एक तीन ही है X के पास एक तीन बचा है Y के पास एक तीन बचा है। उसमें से या फिर तो X का तीन यहाँ पे यूज होगा या फिर Y का तीन यहाँ पे यूज होगा सो so, इन दोनों में से एक ना एक तीन तो यूज हो ही जाएगा इन R1. वन सो आर दोनों थ्री रख सकता है क्या नहीं सो दट मीन्स केस टू इज नॉट पॉसिबल फॉर आर फाइव That means case one is possible for R five and that is the only case possible. तो R five में हमारे पास यहाँ पे use हो गया तो R four is four. हमें पता ये फॉर शोर four हो जाएगा इतना हमें पता चल गया अब हम का देखते हैं अब let's say यहाँ पे अब पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ी जगह हमें क्लियर दिखे ठीक है इतना हमें अभी तक पता चल चुका है अब आगे का कैसे करना है ये फोर चला गया हमें पता है कि यहाँ पे अब थ्री आ सकता है यहाँ पे जो इसके पास वन और थ्री बचा है एक्स के पास यहाँ पे वन तो आ नहीं सकता बिकॉज नीचे सिक्स आना पड़ेगा दैट इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे थ्री आएगा तो बचा वन यहां पे आएगा और यहाँ पे फोर आ जाएगा और फिर यहाँ पे बचा हुआ क्या आ जाएगा बचा हुआ थ्री आ जाएगा जो थ्री बच जाएगा सो वी हैव फिल्ड एवरी सेल सो हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स अब हम पे आते हैं हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अब इंफॉर्मेशन इसका आंसर क्या हो गया ऑब्वियसली जीरो क्योंकि हमने सारी की सारी रेटिंग्स पता लगा ली है अब हम आंसर लिखते हैं इसका आंसर हो गया जीरो टू हाउ मेनी वर्कर्स डेट आर टू गिव रेटिंग फोर

फोर फोर फाइव फाइव ये असेंडिंग ऑर्डर है तो बीच का जो थर्ड वैल्यू क्या है फोर सो मीडियम इज फोर एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं द फॉलोइंग गिव इट्स रेटिंग टू वन ऑफ वर्कर्स ठीक है अब हम पहले आर वन पे आते हैं जो इसकी मीडियम रेटिंग क्या है, कितनी है अगर इसको आर वन की हम रेटिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू करें सारी की सारी ये क्लियर करते हैं थोड़ा एरिया अब इस सब की जरूरत नहीं है हमें ठीक है अब आर वन की रेटिंग्स क्या है अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाए वन थ्री फोर फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव सॉरी आर, आर 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 इन सबके देखेंगे अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे आर टू की कितनी है वन वन टू टू फाइव ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया आर टू का आर थ्री का कितना हो गया आर थ्री का कितना हो गया वन फोर फोर फाइव फाइव आर फोर का कितना हो गया वन टू थ्री फोर फोर आर फाइव का कितना हो गया टू टू फोर फोर फाइव फोर फोर फाइव अब मीडियम वैल्यूज कौन सी हैं मीडियम वैल्यूज ये वाली है अब कौन सा ऐसा वर्कर है जिसने यूनिक वैल्यू दी है मीडियन वाली इसका फोर रिपीट हो रहा है दो बार इसका टू भी रिपीट हो रहा है दो बार इसका फोर भी रिपीट हो रहा है और दो बार इसका फोर भी रिपीट हो रहा है बस आर फोर एक ऐसा वर्कर है हु गेव इट्स मीडियम रेटिंग टू एक्जैक्टली वन ऑफ द वर्कर्स सो द राइट आंसर इज आर आई होप दिस सेट इज क्लियर फॉर एनी क्वेरीज You can call or message on this number and reach on the following ID. Thank you.